नमस्कार सभी को, जॉब स्टडी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सभी? तो आज की वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2022 की फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आपका फेज सेकंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इससे पहले हमने चार जोन की वीडियो अपलोड कर दी है और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जबलपुर जोन से। तो जबलपुर जोन से आपकी कट ऑफ क्या कुछ रहेगी, आपके डाटा के आधार पर दोस्तों इस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम है सेकंड फेज़ के अंदर, वो कितना प्रतिशत एग्ज़ाम दे रहे हैं और कैंडिडेट कितने कितने स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं भाई, जो स्कोर है यहाँ पे 40 से 50 जो अभी परसेंट एग्ज़ाम देने वालों की संख्या 39, 50 से 55% की अगर बात करें तो 34, यानी कि जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लगभग भाई आपके 55% के आसपास में है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40 से 50 वाले 11%, 50 से 60 नंबर ठीक करने वाले 51%, 60 से 70 ठीक करने वाले 20% और 70 से 80 ठीक करने वाले 9% है। तो यानी कि लगभग देखा जाए तो 60-65 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है। तो देखिए, ग्रुप डी भर्ती जबलपुर जोन की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पर फॉर्म इस बार के 531668, वैकेंसी 4019, पर सीट कंपटीशन 132, पास किए जाएंगे 3×12,057, एग्ज़ाम दे रहे हैं 55%। अगर हम फोरम का 55% निकाले तो लगभग एग्ज़ाम देने वाले 3,00,000 कैंडिडेट हैं। इसके बाद में कंपटीशन आपका 74 कैंडिडेट है एक सीट के लिए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट। तो देखिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, यूआर की 1596, ओबीसी की 1080, एससी कैंडिडेट की 633, एसटी की 308 और ईडब्ल्यूएस की 402 पोस्ट है। दोस्तों, प्रत्येक कैटेगरी में 3 गुना कैंडिडेट पास होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पास होने वालों की संख्या जो अभी यूआर से 4788, ओबीसी से 3240, एससी कैंडिडेट 1899, एसटी के 924 और ईडब्ल्यूएस से 1206 कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज पास किए जाएंगे। और अब आप यहाँ पे देखिए 2018 की कट ऑफ क्या रही थी। तो जबलपुर जोन से 2018 की कट ऑफ 75 पे गई थी, ओबीसी की 70 पे और एससी की 63 पे और एसटी की 58 पर गई थी। और दोस्तों, इस बार की कट ऑफ 2019 के अंदर आपकी क्या रह सकती है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस बार दोस्तों अगर आपने जबलपुर जोन से 65+ क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन ठीक किए, बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओबीसी से 62 क्वेश्चन, एससी कैंडिडेट से 55 क्वेश्चन, एसटी से 52 और ईडब्ल्यूएस से 60 क्वेश्चन आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। दोस्तों, फाइनल की कट ऑफ की बात करें तो देखिए फाइनल क्या कुछ रह सकती है परसेंटाइल लगने के बाद में। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन लगा था तो दोस्तों लगभग भाई 10-15 नंबर सभी के बढ़े थे, इस बार 10-15 नहीं बढ़ेंगे, इस बार 2 से 3 और 5 से 6 नंबर आपके लास्ट बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बार की फाइनल कट ऑफ क्या कुछ देखने को मिल सकती है, तो यूआर कैटेगरी से बात करें दोस्तों तो आपकी कट ऑफ बाई परसेंटाइल लगने के बाद में जो कट ऑफ जा सकती है आपकी वो 68 से 70 के बीच में रह सकती है यूआर कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की आपकी कट ऑफ दोस्तों इस बार की 64 से 66 नंबर फाइनल की बात कर रहे हैं। इसके बाद में एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एससी कैटेगरी की दोस्तों इस बार की 58 से 60 नंबर। और एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ आपकी रह सकती है 54 से 56 नंबर। और आगे बात कर लेते हैं, और अब देखिए ईडब्ल्यूएस से आपकी फाइनल कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस से इस बार की आपकी कट ऑफ 62 से 63 नंबर पर दोस्तों आपकी रह सकती है फाइनल, ठीक है। अगर आपने 60 क्वेश्चन ठीक किया, बिल्कुल सेफ रहेंगे और परसेंटाइल में आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ अब रहेगी। तो इस प्रकार आपकी भाई इस बार की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी एक्सेप्टेड कट ऑफ है दोस्तों। और अगर जिन भी साथियों को वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकता है, कॉमेंट कर सकता है और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी आपकी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आगे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।